तारापुर के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के साथ सभी वार्ड पार्षद ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में आकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय कक्ष का उद्घाटन तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार, एसडीपीओ पंकज कुमार एवं मुख्य पार्षद नीलम देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी प्रथमा पुष्पांकर ने बुके देकर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद का सम्मान किया, जबकि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद ने भी तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी एवं एसडीपीओ के द्वारा बुके एवं डायरी तथा पेन देकर सम्मान किया। इस समारोह में नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि अब तक तारापुर नगर पंचायत अधूरा था, लेकिन अब चुनाव के बाद जो हमारे मुख्य पार्षद सहित सभी पार्षद के आ जाने से नगर पंचायत पूर्ण हो गया है और अब विकास को गति दी जाएगी। वहीं मुख्य पार्षद नीलम देवी ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी पार्षद के साथ समन्वय कर हम लोग तारापुर के चौमुखी विकास कार्य को करेंगे। वहीं उप मुख्य पार्षद पिंटू साह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ कार्य करेंगे। चूंकि तारापुर नगर पंचायत का प्रथम चुनाव था, इसलिए नगर सरकार को चलाने के लिए जानकारी भी वरिष्ठ प्रतिनिधियों से लेकर कार्ययोजना बनाएगी और तारापुर का विकास करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीओ श्री कुमार ने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य का बात रहा कि नगर पंचायत के वार्ड का गठन मेरे कार्यकाल में हुआ। अधिसूचित एवं चुनाव के साथ शपथ ग्रहण कराने का भी मौका मुझे मिला। आप सभी भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रथम बार नगर पंचायत में कार्य करने का मौका मिला है। आप सभी लोग इतिहास में याद किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग आपसी समन्वय बनाकर तारापुर का विकास करें और यह नगर बिहार के नक्शे में विकास के लिए रोल मॉडल बने। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि सभी युवा इस चुनाव में जीत कर आए हैं। कई अनुभवी भी जो पंचायत का नेतृत्व किए हैं वे भी आए हैं, इसलिए कार्य को सही रूप दे और विकास की गाड़ी को आज से ही आरंभ कर दे। जिस प्रकार मुंगेर नगर निगम बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वैसे तारापुर नगर भी बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करे, यही शुभकामना है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र सिंह राकेश ने मंच संचालन किया तो धन्यवाद ज्ञापन मिथिलेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि योगेंद्र मंडल ने एसडीएम श्री कुमार से कहा कि नगर पंचायत के सफाईकर्मी हड़ताल पर, जिससे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस पर सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मिलकर उनके मांगों को सुनकर उन्हें काम पर लौटाने का काम करें, क्योंकि नगर पंचायत के साथ साथ अनुमंडल के लिए यह काफी जरूरी कार्य है। इस मौके वार्ड सदस्य के अलावे क्षेत्र के गणमान्य लोगों में भाजपा के वरिष्ठ नेता कुमार प्रणय, विधिज्ञ संत के पूर्व अध्यक्ष हरे कृष्ण वर्मा, तारापुर की उपप्रमुख संगीता कुमारी, मनोज मंडल, अधिवक्ता राजेश झा सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग इसके गवाह बने। बाद उनको यह शुभकामना देता हूँ कि अच्छे से काम करें। वार्ड के जो सदस्य होंगे वो प्रथम कहलाएंगे। इसमें नगर पंचायत को मैंने बहुत नज़दीक से बहुत ज़्यादा देखा एक तरह से। यहाँ तो खैर स्थानीय लोग तो देख रहे हैं, लेकिन जो ऑफिसर इसका जो गठन हो रहा था उसमें भी मुझे काम करना पड़ा। गठन के बाद जब इलेक्शन कराना पड़ा, 2011 को इलेक्शन भी कराना पड़ा। उसके बाद जब शपथ ग्रहण की बात आई, वो भी सौभाग्य से मुझे ही वो मिला ये मौका कि इन लोगों का शपथ ग्रहण कराया। तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि कोई अधिकार के रूप में मांगे, दया भाव से नहीं। हम आपके पास याचना नहीं करने आए, ये आम जनता का अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, ये हमको चाहिए तो आपको मिलेगा। आप एक भिखारी की स्थिति देखते हैं, जिस भाव से जाता है उसी भाव से उसको भीख दी जाती है। हम अपना अधिकार मांगने आए, कहीं भी जाएंगे, जो हमको मिलना चाहिए वो हमको मिले और आपको देना है। बहुत उम्मीद के साथ जनता आपको यहाँ भेजी है और हम हमारी अपेक्षा है कि आप सभी लोग जनता के उस उम्मीद और अपेक्षा पे खड़े उतरेंगे। निश्चित रूप से एक नया प्रयोग है आप लोगों के लिए। नगर पंचायत का गठन सरकार के द्वारा किया गया है, चुनाव भी हो गया, आप निर्वाचित होकर के आ भी गए हैं। अब आप लोगों को मिलकर के समग्र लोग एक ऐसा प्रयास करें, ये नगर पंचायत बिहार का उत्तम नगर पंचायत। मैं आप लोग सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ जनता का, तारापुर का जनता जीता है, तारापुर का जनता जीता है और सभी का हम लोग आप लोग के निर्देश पर जो भी काम होगा उसमें हम लोग आप लोग से मिलजुल करके सभी परिषद से मिल करके एक बैठक कर करके जो जो अच्छा काम होगा, मैं चाहता हूँ इस तरह तारापुर में हिंदुस्तान में नाम हुआ है,
आज शहीदों का, जिस तरह चंद्र बाबू बोले शहीदों का, आज उसी तरह हम लोग सभी वरिष्ठ जन से और प्रशासन पदाधिकारी से सहयोग लेकर के हम चाहूँगा कि तारापुर जिस तरह मुंगेर का नाम होता है उससे भी अगर बिहार में तारापुर का नाम हो जाएगा आप लोग सहयोग से देंगे, उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो सच्चाई काम होगा वह अवश्य हम लोग करेंगे, कहीं आँच नहीं हमें।